सभी को नमस्कार, मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज ए बार ग्राफ। बार ग्राफ मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज सिंबल। यदि हम बार ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हमारे पास सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एज कहीं हम कुछ एग्जांपल ले लें कि स्कूल के कुछ बच्चों का, एक क्लास के सेवन्थ क्लास के बच्चों का ही कुछ इन्फॉर्मेशन लें और उनसे पूछते जाए कि आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। यदि पर्टिकुलर 5 कलर्स की बात करें कि कोई रेड पसंद करता है, कोई ब्लू पसंद करता है, कोई ग्रीन करता है, कोई ऑरेंज करता है, कोई वाइट करता है, तो उस तरह से यदि हम डाटा तैयार करें तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे कलर ऑफ द चॉइस ऑफ कलर्स और यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक ही इंफॉर्मेशन है, एक ही डेटा है, बच्चों के ऊपर है, तो हम उसको सिंगल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेकेंड पॉइंट है। बार ग्राफ में हमारे पास सिंगल बार ग्राफ आता है और डबल बार ग्राफ आता है। सिंगल बार ग्राफ में हमें सिंगल एक एक ग्राफ बनाने होते हैं एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसको और डीप में समझ पाएंगे। सबसे पहले जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक स्केल कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ एक बॉक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 10 यूनिट ले लें। यदि 10 यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ पर्टिकुलर हाइट को हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 यूनिट ले लें, या पर्टिकुलर एक बॉक्स को हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बॉक्स बना रहे हैं रेक्टेंगुलर, ये एक बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिंदी में नॉर्मली इसको दंड कहते हैं। दंड का मतलब होता है डंडा या डंडे की तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकेस यदि हम डबल बार ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो डबल बार ग्राफ में हमें यहाँ दो दो सिंबल एक साथ लेने पड़ेंगे और उसमें एक इक्वल सिंबल मार्क करेंगे। यदि इनको इंफॉर्मेशन हम यहाँ मार्क कर दें कि ये ओरिजिन ले लें और ये हम एक इंफॉर्मेशन टू हॉरिजॉन्टल लाइन और एक इंफॉर्मेशन टू वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट यदि डबल बार ग्राफ बनाना है हमें तो दो बॉक्स को हमें चूज करना पड़ेगा। एज यदि सपोज करो कि ये यहाँ पर 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 30 यूनिट है, 40 यूनिट है, 50 यूनिट है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और ये 100 यूनिट कुछ हम दे रहे हैं। बट यहाँ पर यदि कहा जाए कि ये कुछ ऐसे चॉइस है जिसको 20 स्टूडेंट चॉइस चूज करते हैं और यहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20, एक ही ग्राफ है अभी यहां। यदि हम डबल ग्राफ बनाना चाहेंगे तो सिंपली एक ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो बार हमें बनानी होगी इस तरह से। ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा और ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट यदि कुछ पर्टिकुलर और लेते हैं तो सिंबल यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, दूसरा कोई बार ग्राफ इसके साथ में एडजेसेंट हम ड्रॉ करेंगे, थर्ड फिर एक अलग इंफॉर्मेशन हम कुछ लेंगे उसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे, सेकेंड इसके पैरेलल कोई दूसरा बार ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास यदि हम इनको दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से डिफरेंट बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ दिखाना चाहेंगे। ये पर्टिकुलर हम वर्टिकुलर और ये कुछ स्लाइडिंग शेप दिखाएंगे कि ये हमारे पास जो ग्राफ हैं वो डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से हमारे पास डबल बार ग्राफ बन जाता है। डबल ग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन लेंगे तो ये एक्चुअली समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साथ साथ हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है चांस। एक वर्ड है चांस। एक चांस होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, कोई चांस हमें मिले, कोई गेम खेलना चाह रहे हैं। जनरली यदि हम गेम की बात करें कि यदि हम गेम
स्टार्ट करना चाहते हैं, लूडो खेलते हैं, डाइस खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, तो उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेयर को चांस मिलती है। जनरली क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को फर्स्ट इनिंग हमें खेलनी है तो टॉस किया जाता है। अब टॉस किया जाता है तो दो ऑप्शन होते हैं उसमें, हेड और टेल के। अब यदि कोई एक टीम हेड डिमांड करे तो यदि हेड आ गया तो उसको चांस मिलेगा, उसको राइट मिलेगा डिसीजन लेने का, और यदि उसको अगेंस्ट आता है तो वो दूसरी टीम को चांस मिलेगा डिसीजन लेने का। तो चांस मीन्स जो एक सपोर्ट मौका मिल रहा है उसको हम कहते हैं चांस देना। अब चांस हमें काम करते करते मिलता है कि हम पर्टिकुलर कुछ काम कर रहे हैं बट हमें चांस मिल रहा है। अब चांस मिल रहा है, कोई बच्चा है और वो पढ़ने के लिए उसको चांस मिला, स्कूल में एडमिशन हो गया, उसने पढ़ाई की और उसने वो क्वेश्चन जो उसको मिला एज ए यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट में, उसने उसको चांस मिला कि वो उसको करे। अब डिपेंड करता है कि उसने यदि उसको रीड किया हो, पढ़ा हो, तो वो उसको मौका मिल गया कि उसको रिप्रेजेंट करेगा। गेम खेलना चाहते हैं दो बच्चे और गेम में किसको विनर होना है, तो दोनों को चांस मिला, लेकिन विनर तो एक ही होगा, चांस दोनों को मिला। बहुत सारे प्लेयर्स हैं और रेस लगाने के लिए कहा गया कि रेस लगाइए और उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको चूज किया जाएगा, उसकी चॉइस जो है हम सेलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट होगा। उस तरह से चांस मिला 10 बच्चों को लेकिन सिलेक्शन हुआ एक बच्चे का। तो मौके मिलने, चांस मिलने पर्टिकुलर सबको मिले, सिलेक्शन पर्टिकुलर किसी एक का होगा या दो का होगा। एज क्लास में हम मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो हमें दो मॉनिटर चाहिए या तीन मॉनिटर चाहिए, तो हम चांस देते हैं कि कौन बच्चा जो है वो मॉनिटर बनना चाहेगा, बेस्ट अच्छे काम करेगा, तो वो चांस जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको समझने के लिए चांस दिया गया 6 बच्चों को, 4 बच्चों को कि अच्छा कोई इन बच्चों में से बताओ कि किसको हम मॉनिटर बनाए, तो चांस बन गया। नेक्स्ट एक वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस से आगे हम बात करेंगे। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि चांस दिया 10 बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में भाग लेने के लिए। अब किसी पर्टिकुलर बच्चे को लिए कहा जाता है कि ये एक्टिव है, ये ज्यादा एक्टिव रहता है, वो जीतेगा। अब जीतने वाला तो एक है लेकिन चांस कितने मिले, 10 बच्चों को मिला। 10 बच्चों में से एक बच्चे को चांस मिला तो प्रोबेबिलिटी हो गई उस एक बच्चे के विनर होने की 1/10। हमारे पास टोटल चांस 10 थे, सक्सेस या विनर होने के लिए एक स्टूडेंट था। ऐसे ही हमारे पास यदि एक दो टीम है और टीम को कह दिया जाए कि एक कॉइन को टॉस करिए, तो हमारे पास कितने चांस हैं, 2 चांस है हेड और टेल आने के। अब उसमें विनर टीम कौन सी होगी जिसकी चॉइस का कौन फेस मिल जाए, हेड चॉइस किया तो हेड मिल जाए वो विनर हो जाएगा या वो अपनी डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएगा, और टेल किसी ने मांगा और टेल उसको मिल गया तो वो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन डिसीजन जो होगा वो एक के लिए होगा। तो यहां यदि प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हमारे पास ये दोनों आउटकम थे 2, चांस थे 2, लेकिन सक्सेस को 1 मिलेगा। तो प्रॉपर्टी की बात आती है जो टोटल थे वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल चांसेस, और जो फेवरेबल चांसेस होंगे उनको न्यूमरेटर में रखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ द सक्सेस और अनसक्सेस, यहां कॉइंस के 2 आउटकम थे, 2 में से 1 के लिए फेवरेबल है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। इन केस यदि हम बाद में सेकंड चॉइस लेते हैं डाई है, डाई में हमारे पास 6 साइड्स होते हैं, 6 फेस होते हैं और 6 नंबर होते हैं। अब इसमें टोटल आउटकम हमारे पास जो फेवरेबल चांसेस हैं वो 6 हो गए। अब इसमें कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर एक नंबर के लिए कहा जाए कि 6
आता है तो गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चांस है जब गेम स्टार्ट होता है तो 1/6 हो गया। किसी ने कहा कि नहीं, हम दो पॉइंट पर यदि हमें फेवरेबल मिल जाए 2.1 और 6 तो हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां दो चॉइस हो गई कि यदि 1 आ जाए और 6 आ जाए तो गेम स्टार्ट हो जाए। तो गेम स्टार्ट होने के जो प्रोबेबिलिटीज है वो क्या हो गई, हमारे पास टोटल चांसेस 6 थे और 2 को हमने फेवर मान लिया तो 2/6 हो जाएगा। यदि ये कहा जाए कि कोई भी इवन नंबर आ जाए हम गेम स्टार्ट कर देंगे, तो इवन नंबर चूज कर लेंगे, इवन नंबर 2 है, 4 है और 6 है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन हुए वो जो फेवरेबल है कि तीनों में से कोई भी आकर गेम स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ 3/6 इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। चांस हमारे पास टोटल होते हैं नहीं, डिनोमिनेटर में देता है, यहाँ पर 2 चांस थे, यहाँ 6 चांस है। यदि ये कहा जाए कि कोई भी ऑड नंबर आए और गेम स्टार्ट कर दे तो ऑड नंबर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, ये भी ऑड नंबर 3 है, तो यहाँ प्रॉपर्टी हो जाएगी 3/6। इस टाइप से हमारे पास हमने डिस्कस किया है बार ग्राफ। पहला पॉइंट बार ग्राफ, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, कहीं हम किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं, सिंगल ग्राफ और डबल ग्राफ। सिंगल ग्राफ में सिंगल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और डबल ग्राफ में दो दो इंफॉर्मेशन को एक साथ एक ही ग्राफ शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं। चांस हमारे पास जितने भी आउटकम होते हैं, जितने भी चांस ऑप्शन हमें मिलते हैं उनको चांस कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी एक वो फ्रैक्शन नंबर है जो फेवरेबल नंबर्स को चांस वाले नंबर से ऑप्शन से हम डिवाइड कर देते हैं। अभी हम इस लेवल पर यहीं पर सेकेंड क्लास में इसी कंसेप्ट को समझेंगे कि हमारे पास चांस क्या थे और फेवरेबल चॉइस क्या थी। टोटल चांस और फेवरेबल चांस, फेवरेबल चांस डिवाइडेड बाय टोटल चांस हम करें तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है किसी को भी करने के लिए।